नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी। आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। उस वक्त हमारे साथ जो हाथ में भगवा ध्वज, भगवान श्री राम का ध्वज लिए अंकुर रावत है। और आपको बता दें, यह छतरपुर से अयोध्या तक दौड़ते हुए जा रहे हैं और इन्हीं से हम पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनकी यात्रा है। जी, आप रहते क्या हैं, कहाँ पर हैं? मैं शांति नगर कॉलोनी में रहता हूँ और गली मधु में। किस तरह की आपकी यात्रा है, क्या रहेगा? मैं यहाँ से निकलूँगा, यहाँ से पहला रूट मेरा गढ़ीमलेरा रहेगा। गढ़ीमलेरा में पहले मैं विश्राम करूँगा, फिर उसके बाद कल ट्राई करूँगा कि महोबा के आगे पहुँच जाऊँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपन पूरा अयोध्या तक टूर करेंगे। क्या दौड़ते हुए जा रहे हैं आप? हाँ, दौड़ूंगा भी और थोड़ा बहुत तो चल भी लूँगा। हाँ, तो कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली है कि आप दौड़ते हुए जाएँ, पैदल जाएँ? मुझे प्रेरणा ये मिली है, मेरा एक दोस्त है, इंदौर का है वो मतलब इंदौर से अयोध्या जा रहा था, तो मैंने उससे भाई से रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे अपने साथ ले लो, बट उसने लिया नहीं था मुझे। तो मुझे उस दिन से बहुत मतलब इरिटेट हुआ कि मीन्स वो इतना बड़ा प्लेयर हो कि वो मुझे नहीं ले जा रहा, मेरी क्षमता है वो क्यों नहीं ले जा रहा मुझे। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था यहाँ से, तो दीदी ने मेरा सपोर्ट किया था, तो वहाँ से प्रेरणा मिल गई मुझे। कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बात में, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाए यहाँ से। किस तरह से अब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, आप जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे लकी चाचा का सहायता अच्छा मिल रहा, दीदी का सहायता अच्छा, बजरंग दल वालों का अच्छा मिल रहा। कितने किलोमीटर की आपकी यह यात्रा होगी? 450 किलोमीटर मिनिमम। तो कोई कठिन लग रहा है आपको जाने आने में? नहीं, कोई कठिन नहीं लग रहा, वो तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो कोई कठिनाई नहीं है, वो तो पहुंचाएगा सही सलामत। क्या कहना चाहेंगे, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे कई और श्रद्धालु भी जा रहे हैं, तो क्या लोगों से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो उनकी जो मेरे साथ भी यात्रा कर रहे हैं वो भी यात्रा संपन्न रहे उनकी भी, और कहीं प्रॉब्लम ना जाए उन लोगों को भी। आपको एक खुशी है, एक उत्साह है? हाँ, बस खुशी हो रही है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। समाज से भी उपेंद्र प्रताप सिंह मौजूद जी, क्या कहेंगे भाई साहब, दौड़ कर जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि अयोध्या में श्री राम लला विराजने वाले हैं, और इससे गौरव का हम लोगों का, हमने अपनी पीढ़ियों को देखा है भगवान राम के लिए संघर्ष करते हुए। हम बड़े छोटे हुआ करते थे तब हम लोग नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने देखा है लोगों को राम मंदिर के लिए बलिदान देते हुए, और अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या, जहां स्वयं रामलला विराजने वाले हैं। और रामलला के विराजते समय यदि छतरपुर से इस हमारे जो छोटा भाई है अंकुर रावत, ये इसने कोशिश करी है कि ये दौड़ के जाएगा। तो ये देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि बिना इच्छा शक्ति के और बिना भगवान की भक्ति के और उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो उन्होंने इनको प्रेरणा दी, भगवान राम ने इनको प्रेरणा दी है, उनकी प्रेरणा पाकर उन्होंने इतना कठिन लक्ष्य तय किया है। यहाँ से अयोध्या का मुझे लगता है 400 किलोमीटर के आसपास, 400-450 किलोमीटर पड़ेगा, 400 किलोमीटर की रनिंग करना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने इनसे बार बार पूछा भी है कि यार देख लेना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पर मुझे ये लगता है कि जब हम भगवान के लिए किसी लक्ष्य को मानते हैं और उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, तो ईश्वर स्वयं उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें कराता है। तो अब इनने इतना कठिन लक्ष्य चुना है और भगवान रामलला बिठाने वाले हैं, तो हम सभी के लिए भी गौरव का विषय है कि छतरपुर का ये लड़का और अयोध्या दौड़ लगाते हुए भगवान राम के चरणों में पहुंचेगा और इस जो भगवा झंडा है इसको बुलंद करेगा। कम उम्र भी है, ज़्यादा उम्र भी नहीं, फिर भी एक उत्साह है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हाँ, ये देखिए, आजकल ये नया ट्रेंड आया है जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था, लोगों में अपने धर्म के प्रति वापस, जो बीच में जो मॉडर्नाइजेशन का दौर चला था उसके साथ साथ अब ये भावना जागृत हो रही है। अभी हम फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हर लगभग हर क्षेत्र से, हर तरफ से जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो रामलला के मंदिर के लिए आगे आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। तो जो बीच में ये माहौल था कि जो लोग ज़्यादातर आस्था के प्रति उतने समर्पित नहीं हो रहे थे, अब वापस से ये ट्रेंड आया, खासकर युवाओं में। तो इतनी कम उम्र का लड़का है, और खैर दौड़ लगाना तो इन्हीं की उम्र के वालों का काम है, नहीं तो ज़्यादा उम्र के लोग इतना दौड़ लगाने में शायद सक्षम ना हो पाते। और इन्होंने ये ठाना है, बहुत ज़बरदस्त ये एक
है और युवाओं में ये सोच होना बहुत हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी है कि अब वो धर्म से वापस जुड़ रहे हैं। और जो रामलला का मंदिर है उसका उद्देश्य ये था कि भगवान तो सबके हृदय में है, वहाँ पे जो आस्था हमारी जुड़ी हुई थी रामलला के मंदिर से, उसने और युवाओं को पूरे देश को एक एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ा कर दिया है भगवान के सामने, ये बहुत अच्छे विषय। युवाओं में विशेष उत्साह है जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनम यादव है। क्या कहेंगी इनको लेकर, अंकुर को लेकर? तो हम ये कहना चाहती है, मेरे पास आया, इसको लगा जो इंदौर से लड़का जा रहा है तो इसके अंदर क्षमता थी दौड़ने की, तो हमने कहा हमसे जो सहयोग हो पाएगा हम करेंगे तुम्हारे लिए। तो हमने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की, यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाला, तो लोग उससे प्रेरित हुए, लकी भैया को फोन किया और जितना हमसे हो सका हमने कोशिश की है। इसको इसका हुनर था दौड़ के जाने का। हम वो पीढ़ी है जो 500 साल के बाद इतना इंतजार किया हमारे पूर्वजों ने, तो हमें ये वो दिन प्राप्त हुआ है कि रामलला फिर से अयोध्या पधार रहे हैं, तो इससे अच्छे सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए हमने कहा जितना हो सकेगा हमसे हम वो कोशिश करेंगे। इसलिए हम अभी रैली निकाल रहे हैं यहाँ से मोटे के महावीर मंदिर से, और सहयोग कर रहे हैं हमारे लकी भैया, इसमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर रामलला की नगरी में ये जाना चाहता है दौड़ के, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे छतरपुर बुंदेलखंड के लिए कि नाम रोशन करने जा रहा है हमारे बुंदेलखंड का। तो हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छे से इसकी यात्रा मंगलमय हो और श्री राम जी की कृपा रही तो बहुत अच्छे से पहुंच जाएगा। जय श्री राम। तो छतरपुर के जो अंकुर रावत हैं वह अयोध्या के लिए बस निकल रहे हैं और दौड़कर वह अयोध्या जाएंगे, और उनके अंदर एक विशेष रूप से उत्साह भी है अयोध्या के लिए। आपको हम बता दें भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है जिसको लेकर विशेष रूप से उत्साह है, और वह छतरपुर की मोटी के महावीर मंदिर से दौड़ते हुए अयोध्या के लिए जा रहे हैं और बस कुछ ही देर में वहां निकलेंगे। पेपे क्राइम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।